तो गाइस पीछे हमारे यहाँ चार ईयरफोन्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ये हैं नोट्स, ये हैं ओप्पो के एयर टू, देन एयर टू प्रो, एंड लास्टली यहाँ पे रियलमी के एयर थ्री हमारे पास अवेलेबल है। तो चार ईयरफोन्स हैं, कंपैरिजन करेंगे दो के बीच में। रीज़न क्यों हम दो के बीच में कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ओप्पो के एयर टू प्रो रियलमी के एयर थ्री से बेटर हैं, सिर्फ एक एस्पेक्ट को छोड़ के, वो है नॉइस कैंसिलेशन। अदर देन दैट एयर टू प्रो यहाँ पे विनर है अदर थिंग्स में। एयर टू के साथ कंपैरिजन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि गाइज एयर टू यहाँ पे बजट ओरिएंटेड ईयरफोन्स हैं, एंड आपको स्लाइटली 1921 का डिफरेंस मिलेगा नोड की साउंड क्वालिटी में, एयर की साउंड क्वालिटी में। तो अगर आपको पैसे बचाना है, डेफिनेटली यार आप एयर टू परचेज कर सकते हैं, नो डाउट। बट ये कंपैरिजन है, चलिए चेकआउट करते हैं। मेरा नाम सौरभ, आप देख रहे हैं जेएस टेक। कुछ फीचर्स ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन चेकआउट कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी के साथ, एंड कमेंट करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दोनों हैं लेटेस्ट ईयरबड्स, ओप्पो के एयर टू प्रो एंड वन प्लस के नोट्स बड्स। 2700 रुपये एंड 3500 रुपये रिस्पेक्टिव प्राइस है, एंड थोड़ा लुक डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो वन प्लस के नोट्स बड्स यहाँ पे कम्प्लीटली मैट फिनिश के साथ आते हैं, एंड बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी फील होती है। केस अंदर से आपका जो ग्लोसी फिनिश में मिलता है, एंड ईयरबड्स पे डुअल कॉम्बिनेशन है मैट एंड ग्लोसी का। तो ईयरबड्स कॉम्पैक्ट साइज के साथ आते हैं, फिटिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज कोई भी शिकायत नहीं है। बट अनदर हैंड अगर हम बात करें ओप्पो के एन एयर टू प्रो की, तो दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आते हैं, बट ग्लोसी फिनिश है जो कि स्क्रैचेस वगैरह यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। नीचे टाइप सी पोर्ट मिलता है, ओप्पो का लोगो मिलता है। देन अगर अंदर की साइड बात करें तो आपको डुअल टोन डिज़ाइन मिलेगा, एंड काफ़ी अच्छे शेप में यहाँ पे ईयरबड्स मिलेंगे। तो लुक डिज़ाइन में ओप्पो यहाँ पे विनर है गाइज। उसके अलावा कुछ फीचर्स की मैं बात कर लूँ, तो दोनों के दोनों 12.4 mm के ड्राइवर के साथ आते हैं, 5.2 की कनेक्टिविटी, IP55 दोनों में आपको देखने को मिल जाता है, एप्लीकेशन का सपोर्ट है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ओप्पो कैरी करता है नॉइस कैंसिलेशन, वन प्लस में AI फॉर नॉइस कैंसिलेशन जस्ट फॉर कॉलिंग दी गई है। ओप्पो में 94 ms की लेटेंसी दी गई है, वन प्लस में गेमिंग के लिए कोई भी मोड नहीं है, बट कॉलिंग में सुपीरियर वन प्लस यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा क्वाड माइक्रोफोन का सपोर्ट जो कि बेटर है। अगेन थोड़ा सा आगे है वन प्लस। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो 30 घंटा एंड 28 घंटा आपको ओप्पो के साथ मिल जाएगा। वन प्लस वाले 7 घंटे के अराउंड आपको बैटरी बैकअप देते हैं, ये भी समवेयर अराउंड सिमिलर बैटरी बैकअप ही आपको देंगे। तो गाइज ये जो साउंड है ये आपके नोट 2 से आ रहे हैं, तो गाइज नोट 2 की यहाँ पे साउंड जो है नोट की साउंड नोट 2 नहीं नोट की साउंड काफी माइंड ब्लोइंग है, आपको काफी अमेजिंग साउंड यहाँ पे मिलती है। दोनों की साउंड क्वालिटी मैंने चेक कर ली है, जो वन प्लस नोट्स ईयरबड्स थे वो आपके मैक्सिमम वॉल्यूम पे सेट थे, इसलिए वहाँ पे जो वॉल्यूम लेवल है वो आपको मैक्सिमम सुनाई दे रहा था। बट सेम चीज़ आप प्ले कर सकते हैं जो है ओप्पो के एयर टू प्रो के साथ भी, एंड ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल है आपको जिस टाइप के साउंड चाहिए। बेसिकली 3 से 4 फीचर्स फंक्शंस अवेलेबल कराए होते हैं ब्रांड्स ने, एंड वो आप ऐप से स्विच कर सकते हैं। तो साउंड क्वालिटी दोनों नेक टू नेक है, आपको जरा सा भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा, सेम काइंड ऑफ ड्राइवर्स आते हैं। अगर आप बेस बूस पे दोनों को ओपन करेंगे तो आपको दोनों अच्छे खासे यहाँ पे मिल जाएंगे। ईयर फिटिंग के मामले में मैं यहाँ पे एयर टू प्रो को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्टिफ नहीं हो लगते। वन प्लस नोट्स हल्का सा हैवी लगता है, एंड लगता है कि आपने कुछ पहना हुआ है, बट एयर टू प्रो के बारे में ऐसा नहीं है। तो एयर टू प्रो इन ईयर फिटिंग एंड साउंड के मामले में मैं बोलूँगा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे मिलता है ANC जो सराउंडिंग के नॉइस को स्लाइटली डिक्रीज कर देता है अगर आप इनेबल करते हैं तो। बट ANC इनेबल करने के बाद आपकी बैटरी बैकअप कमज़ोर हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है।
इम्प्रूवमेंट है नोट के अलावा आपको गेमिंग मोड यहाँ पे डेफिनेटली बेटर मिलेगा एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो नोट यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी है, बट एयर टू प्रो आपको देते हैं ऑलराउंडर फीचर्स, आप हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि गेमिंग के लिए आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको हर एस्पेक्ट में बेटर मिलता है। तो मेरे ओर से एयर टू प्रो यहाँ पे विनर है। अगर आप रियलमी एयर थ्री के बारे में बोलेंगे तो मैं अगेन बोलूँगा कि रियलमी को छोड़ के आप ओप्पो लीजिए, अगर आपको बैटरी एनसी चाहिए देन आप डेफिनेटली रियलमी ले सकते हैं। एंड एयर टू, अगर ओप्पो के एयर टू है तो यार ओप्पो एयर टू ले लो, वन प्लस बड्स नोट जो है वन प्लस नोट्स वहाँ पे आपको मच डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो मेरे ओर से बस इतना ही गाइस इस कंपैरिजन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।